हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन आपकी तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या वजह है इसकी। तो व्यूवर्स, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली है। ओके व्यूवर्स, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना भी पार्ट आपके साथ में यहाँ रेजोनेट हो उसे एक्सेप्ट करिए, जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। ओके व्यूवर्स, रीडिंग को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड डिवाइन को, एंजल को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की कहाँ पर ब्लॉकेज है जो आपकी तरफ उन्हें बढ़ने नहीं दे रही है, रीजन क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन बताइएगा क्या वजह है जो इनके पर्सन इनकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प करिए। ओके व्यूअर्स, सो वी हैव गाइस वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, जर्नी, डोर टू वैल्यू एंड पेशेंस। ओके व्यूअर्स, एंड वी हैव गाइस वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। तो ये एनर्जी निकल के आई आपके पार्टनर की तरफ से, थर्ड चक्रा है हमारे पास। ओके ओके व्यूअर्स, देखते हैं और क्या निकल के आता टैरो से। सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, इनके पर्सन इनकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों इनसे नहीं मीट कर पा रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं। सो वी हैव गाइस फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके व्यूअर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स, वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। ओके व्यूअर्स, ये कार्ड आपके लिए आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये तीनों कार्ड भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ओके व्यूअर्स, आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। ओके, सो व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये नजर आ रहा है भाई, आपके पर्सन आपकी तरफ अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं तीसरा पर्सन जरूर है। यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है कि आपका पर्सन उस आपके साथ में भी कनेक्शन में, और आपके पर्सन के साथ में, मतलब एक सेकंड पर्सन के साथ है उसके साथ भी कनेक्शन में आपका पर्सन। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी जरूर चल रही है कि आपका पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो कुछ टफ सिचुएशन इसकी लाइफ में जरूर चल रही है। अभी टफ सिचुएशन क्या है गाइज, यहाँ पे ये नजर आ रहा है भाई एक डेविल का कार्ड। ठीक है, तो एक डिजायर है, एक लस्ट है, एक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस बंधन में बंधा हुआ है, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ चाह के भी नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीजें कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दी गई है इस थर्ड पार्टी ने कि आप सिर्फ मेरे साथ खुश हो, मेरे साथ ही आपका भाग्य है, आपका भविष्य मेरे साथ ही है। तो यहाँ पे ये चीजें आपके पर्सन को दिखाई गई हैं। कहते हैं ना, समटाइम हमें उन चीजों में ज्यादा ही अट्रैक्शन फील होता है जो एट प्रेजेंट हमें जिसमें प्रॉफिट नजर आता है। तो आपका पर्सन इस समय जस्ट एक प्रॉफिट की वजह से भी कह सकते हैं ना, सेल्फ डिजायर की वजह से उसको लग रहा है कि यहाँ पे रहना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इसको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल रही है। ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसने अपना प्यार, अपनी एक डिजायर इस पर्सन के सामने ऑफर किया है, उसको उसने खुद ऑफर किया है। आपके पर्सन नहीं गए थे उसके पास में कि तुम मुझे दो, लेकिन इसने खुद सिग्नल दिए कि मैं तुम्हारी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ या करती हूँ, और हम दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, हम दोनों में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ इस पर्सन ने ऑफर की, उनको भेजा गया। तो आपके पर्सन जो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे लग रहा है कि अकेलापन एक तो फील कर रहे थे, उनको समटाइम मतलब रिलेशनशिप की अगर मैं गाइस बात करूँ तो जब से ये रिलेशनशिप में आपका ये जो थर्ड पार्टी आई है, इसने अपनी सेल्फ डिजायर के लिए आपके पर्सन को सबसे पहले तो अपनी तरफ खींचा और अपने सारी बातों को कानाफूसी कर करके इसके दिमाग में डालना शुरू करा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ, तुम्हारी लाइफ को अगर कोई अच्छा बना सकता है, तुम्हें कोई प्यार दे सकता है, कोई तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे सकता है, कोई तुम्हें लाइफ की हर वो चीज, हर वो सुख दे सकता है, तो वो मैं हूँ। जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में एट प्रेजेंट नहीं मिल रहा है वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो आपके पर्सन की जब दिमाग में ये बातें हर वक्त डाली गई डालते ये पर्सन रहा, तो आपके पर्सन फिर आप ही के साथ में रिलेशनशिप में खत्म करने लगे, उसके साथ में लड़ाइयाँ झगड़ा मतलब आपके साथ में शुरू होने लगा आपके पर्सन का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइज, ये अगर आपके पर्सन
आपसे दूर होते जा रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं गाइस, तो ये वजह है कि थर्ड पार्टी ने उनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया है, उनको उनको बहलाया फुसलाया है और आपके पर्सन को ये दिखाया है कि तुम अगर मेरी तरफ आते हो तो तुम्हें लाइफ की हर वो खुशी मैं दूंगा या दूंगी जिन चीज़ों को तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ डिजर्व करते हो, तुम वो चीज़ें पा सकते हो जो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें नहीं दे सकता। एक सेटिस्फैक्शन, एक चीज़ें दिखाई गई हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी दिखाया गया कि तुम इस रिलेशनशिप के अंदर अगर आते हो तो मैं तुम्हें शादी में भी वो खुशियाँ दे सकता हूँ जो तुम्हारी शादी में तुम्हें नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ और आपके पर्सन को कोई तीसरा पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही कि जो तुम अपनी शादी में इस पर्सन के साथ में तुमने नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारा पर्सन तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तुम्हें लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं दे पाया, खुशियाँ नहीं दे पाया जो लाइफ में तुम डिजर्व करते थे, जो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बेहतर हो, तो आपके पर्सन की जो वैल्यू है उसने चने के झाड़ पर उसे चढ़ाया है, ये चीज़ें नज़र आ रही और आपका पर्सन चीजों में बह गया है, ठीक है। तो ये आपकी जो ये थर्ड पार्टी है, इसने अपना प्यार ऐसे करके सामने से ऑफर किया कि देखो तुम मेरे तरफ अगर आओगे तो मैं तुम्हें इन सब चीज़ों को सुख दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पर्सन की तरफ वो ऑफर दिया गया और आपके पर्सन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी एक माया जाल में फंसा हुआ है, उन चीज़ों की तरफ निकल नहीं पा रहा, क्योंकि डेविल का कार्ड यही बताता है कि एक माया जाल है, एक ऐसा जाल रचा गया आपके पर्सन के चारों तरफ जिससे आपका पर्सन उसी को अपना भाग्य समझने लगा, उसी को अपनी डिजायर समझने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अगर वो इस कदर राह पे बढ़ रहा है आगे तो उसकी लाइफ कहीं ना कहीं वो खुद ही खराब कर रहा है। तो अगर आपकी ये लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप, जिस भी पार्टनर के साथ में आपका रिलेशनशिप है, वो मेल है फीमेल है जो भी है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं खुद ही अपने जीवन के अंदर आग लगाने का काम किया है, थर्ड पार्टी ने तो सिर्फ उसको एक चिंगारी दी थी, आग तो आपने आपके पर्सन ने खुद ही लगा ली है, सिर्फ अपनी डिजायर की वजह से, अपनी लस्ट की वजह से, उस पर्सन को पाने की वजह से। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है और ये पर्सन भी जो अगर आप इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा वो फील करता है ना टेंशन में, डिप्रेशन में, और इसे लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है, तो देखो भाई कहीं ना कहीं इसकी वजह सीधे सीधे आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी है जिसने डेविल का काम किया है, और आपकी आपकी भी नहीं बन रही आपके पार्टनर के साथ में, और ये जो थर्ड पार्टी है इसकी भी नहीं बन रही है, तीनों चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं खराब हुई है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें लाइफ में बाकी हैं जिन चीजों को लेकर आपका पर्सन आगे बढ़ सकता है, पर उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, उसको ये लग रहा है कि यार जो चीजें मैंने खो दी वो खो दी, अब उन्हीं को चीजों को लेकर चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनसे चीजें ली हैं अपनी डिजायर को पूरा, क्योंकि वो तो आई अपनी डिजायर से थी ना, वो तो आई अपनी डिजायर से था कि मुझे लाइफ में ये सारी चीजें चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पर्सन जॉब करता हो किसी ऐसी फील्ड के अंदर जहां पर अच्छी खासी पोजिशन पे हो, ठीक है, जहां पर अच्छा खासा पैसा अर्न करता, तो हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है ये जस्ट एज अपनी ग्रोथ के लिए इसके साथ में कनेक्शन में आया या आई, जिसकी वजह से इसको लगा कि अगर मैं इसके साथ में अगर रिलेशनशिप अपना बनाता हूं या बनाती हूं तो मेरा पर्सन यानी कि ये जो आपका पर्सन है ये मुझे एक सीढ़ी अप करने में, एक लेवल अप करने में मुझे मदद करेगा, इसके लिए अगर मुझे ऑफर भी करना पड़े तो मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी। तो गाइस यहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस जो हुआ है सिर्फ अपनी सेल्फ डिजायर की वजह से हुआ है, तो इसकी ये जो वजह हुई इसमें आपका कहीं ना कहीं रोल ये रहा गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन थर्ड पार्टी ने क्रिएट करवाई और आपने भी कहीं ना कहीं देखो जाने अनजाने इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस ही कर दिया, क्यों, क्योंकि आप भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरा पर्सन मुझे चीट करके किसी और के पास में जा रहा है, मुझे धोखा दे के, अपनी फैमिली को धोखा दे के, इस रिलेशनशिप को, जितना अच्छा रिलेशनशिप है हमारा, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, उनको धोखा दे के वो दूसरे की तरफ जा रहा है। तो आर्ग्यूमेंट जो थमने चाहिए था, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और ज्यादा बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं अगर गाइज आपका रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है और आपका पर्सन अगर आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो यही है, फॉल्स आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है कि आप जिस राह पे इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो क्या ये वर्थेबल है, क्या ये आर्ग्यूमेंट वर्थेबल है, क्या इनका रिजल्ट निकलेगा, आर्ग्यूमेंट बार बार करने से कोई रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है गाइज, एक ठहराव होना चाहिए जहाँ पे आप दोनों ही जने इन चीज़ों को देखो समझो, क्या ऐसा करने से किसका फायदा है, क्या आपका फायदा है या आपके पर्सन का फायदा, सारा फायदा किसको मिल रहा है, थर्ड पार्टी को मिल रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ कहीं ना कहीं चमक गई है, उसका भाग्य चमक गया है, तो वो अपना भाग्य चमकाने के लिए आपके पर्सन की लाइफ में आया और उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ें पा ली। तो गाइज यहाँ पे यही चीज़ें नजर आ रही है कि आपका पर्सन
ठीक है, उसके एक एक फ्रेम में फंस गया, एक चक्रव्यूह में फंस गया आपका पर्सन, जो चाह के भी आपकी तरफ नहीं कदम उठा पाता है। वो बस एक एक नेगेटिव एनर्जी में ऐसा ट्रैप हुआ है कि उसको सिर्फ यही दिखाया गया कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, जो तुम इतने सालों से कर रहे थे देखो उसने तुम्हारे साथ किया गया, तुम उसको देखो अच्छा करते हो, वो तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है, ये तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करती है, तुम जब भी घर जाते हो, जब भी उसे बात करते हो, वो तुम्हारे साथ में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका पर्सन सिर्फ इन्हीं चीजों को देख रहा है, आपकी तरफ की अटेंशन को समझ ही नहीं पा रहा है। उसके सामने क्या आती है हर समय, सिचुएशन क्या आती है कि लड़ाई झगड़ा होता है, हर समय आर्ग्यूमेंट होते हैं, इससे अच्छा मैं घर ही ना जाऊं, इससे अच्छा मैं उससे बात ही ना करूं, इससे अच्छा मैं उसे अवॉइड करना शुरू कर दूं। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम गाइस कहीं ना कहीं यही है कि आर्ग्यूमेंट को कहीं ना कहीं देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए कि आप इस आर्ग्यूमेंट से क्या अचीव कर रहे हो, क्या पाना चाहते हो, क्या ये वर्थेबल है, हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करने का कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आपका पर्सन जब इन चीजों को देखे, एक्सेप्ट करे, फिर वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं कदम बढ़ाए। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे एक नई तरह से नई शुरुआत की जरूरत है। जो आपका पर्सन इस समय सिर्फ उसके अंडर में चल रहा है, उसकी ईगो में आ गया है, ठीक है, अपनी अपनी वर्थ को नहीं पहचान पा रहा आपका पर्सन कि मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ अभी सोच रहा है। तो आपकी तरफ अगर जो ये एक्शन लेना चाहता है गाइस, तो एक्शन लेते लेते आपका पर्सन रुक जाता है, सिर्फ वो उन चीज़ों को देखता है जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपका पर्सन देखने की कोशिश ही नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं गाइस यही रीज़न समझ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। ओके व्यूअर्स, कुछ और कार्ड देखते हैं। रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन एंजल हेल्प करिएगा। ओके, चेंजेस है गाइस। देखो अभी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और इस चीजों को आपने अपनी लाइफ में अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो गाइस कहीं ना कहीं अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे कि आप दोनों ही सामने वाले यानी थर्ड पार्टी की उंगली पर नाच रहे हो, वो आपको नचा रहा है, आपको एक दूसरे से भिड़ा रहा है, और आप जब इन चीजों को समझ जाओगे, इसको उसके चक्रव्यूह को समझ जाओगे गाइस, तो ये चीजों को चेंजेस के लिए आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। देखो जब बुरी चीजें नहीं रुकती हैं तो अच्छी चीजें भी नहीं रुकती हैं, है ना, टाइम सर्कल हमेशा चेंज होता है। आज आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन ये नजर आ रहा है, आने वाले समय के अंदर आपका पार्टनर इस डेविल एनर्जी को समझेगा, इस एनर्जी को समझने की कोशिश करेगा, जब ये पर्सन अपना इसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा, ठीक है, और जब वो इन चीज़ों को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तब आपका पर्सन को समझ में आएगा यहाँ पे ये चीज़ें नजर आ रही है कि ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एक तरह से, जो सोल कनेक्ट करता है, जो दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है, जो एक डिवाइन नॉलेज देता है। तो लाइफ में गाइस देखो चेंजेस आएंगे, इतने रैपिडली चेंजेस आएंगे, जो आपके पर्सन की एक सोच बनी हुई है थर्ड पार्टी के साथ में कि ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये दे रही है, और ये मेरी लाइफ को कंप्लीट कर रहा है, इसके साथ ही मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, मुझे जो कहते हैं ना एक दिल की ख्वाहिश कि ज़्यादा ले लो, ज़्यादा ले लो, ठीक है, जो मिल रहा है उसे समेट लो, जो अच्छा है उसे ले लो, उसे ग्रैब कर लो, उसे एक्सेस में ले लो। तो गाइस यहाँ पे एक्सेस जो डिजायर है ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, तो वो कहीं ना कहीं जब बिखरेगी, क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आपका पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होगा। सोल सेटिस्फेक्शन गाइस यहाँ पे तभी होगी जब आप एक कहते हैं ना शिव शक्ति का मिलन, तो यहाँ पे अगर आप पति पत्नी हो तो एक शिव शक्ति का काम करोगे, और आपका पर्सन आप ही की तरफ अट्रैक्ट फील करेगा और आप अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट फील करोगे, तो यहाँ डेविल एनर्जी फिर रिमूव हो जाएगी, चेंजेस बहुत रैपिडली आएंगे, समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि आपके पर्सन को सब चीजें इस पर्सन के सामने नजर आ जाएंगी। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये चीजें होंगी, आपके पर्सन की लाइफ में रैपिड चेंजेस आएंगे, इस रिलेशनशिप में रैपिड चेंजेस आएंगे इस नेगेटिव एनर्जी से, फिर आपका पर्सन गाइस आप की तरफ आगे बढ़ेगा, यहाँ पे चीजें नजर आ रही है, ठीक है, वो अपने लाइफ में कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेगा, सच्चाई की तरफ आगे बढ़ेगा, फिर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रोकना चाहेगी तो भी नहीं रोक पाएगी। कार्ड तो यही बताते गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से आई है, उसको सिर्फ स्वार्थ है उसका अपना फुलफिल करना, उसको सिर्फ अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अचीवमेंट चाहिए और अबंडेंस चाहिए, ठीक है, एक लग्जरी लाइफ उसको पर्सन को कहीं ना कहीं चाहिए जो आपका पर्सन के पास है, ठीक है, आपका पर्सन उसे ऑफर कर रहा है और वो ऑफर ले भी रही है, ठीक है, या ले रहा है। तो गाइस यहाँ पे चीजें हैं, जब लाइफ में चीजें नजर आने लगेंगी आपको पर्सन को कि ये मेरे लाइफ में अपनी डिजायर की वजह से आई है या आया है, इसमें इसका स्वार्थ है, मेरे को सिर्फ सब इसने अपनी उंगलियों पे नचाया, इसने मुझे सिर्फ मूर्ख बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, तब आपका पर्सन कहीं ना कहीं गाइस अपनी लाइफ में इस बंधन से निकलेगा, इन बंधनों से बाहर निकल के आएगा, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के आएगा, और अपनी अपनी अपने आप को पहचानेगा कि उसने क्या किया है और इसको ऐसा करना चाहिए था गाइस, क्योंकि देखो आज आपका पर्सन सिर्फ एक डिजायर में फंसा हुआ है, कहते हैं ना
लस्ट में फंसा हुआ है, सिर्फ उसके लाइफ में सिर्फ उसे अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन नजर आ रही, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बहुत जल्दी चेंजेस इसमें अंदर आएंगे और आपका पर्सन फिर इनको समझेगा कि मैं उस समय पे कितना ज्यादा मूर्ख बना और मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। फिर आपका पर्सन एक मास्टर एनर्जी के अंदर आएगा और इन चीजों को गाइस कहीं ना कहीं समझेगा और इस बंधन को रिलीज करेगा, इसे ब्रेक करेगा। फिर आपके साथ में गाइस वो आके कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा। तो गाइस यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस है जो समय चक्र एक चलेगा, तो समय चक्र पे कहीं ना कहीं आपको बिलीव करना होगा गाइस कि चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। आपको अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको एफर्ट्स नहीं लगाने, एफर्ट्स तो देखो जरूर लगाने होते हैं, पर एक सोच समझ के एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। जल्दबाजी में आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता, इससे आप अपने पर्सन को और ज्यादा अपने से दूर कर रहे हो। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर गाइस की है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।